दोस्तों फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। अगर आपका बजट 10,000 है, आप एक बढ़िया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लीजिए, आपको क्लियरली पता चल जाएगा कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए, 10,000 के अंदर में कौन सा स्मार्टफोन बढ़िया है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए से 3 स्मार्टफोन चॉइस किया हूं, जहां पर आपको बैक साइड में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, बहुत ही बढ़िया बैटरी पावर मिल जाएगा जिसमें फर्स्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, 4GB का रैम मिल जाएगा, 64GB इंटरनल मिलेगा, बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर मिल जाएगा जिसमें आप पबजी एंड फॉर्टनाइट जैसी हाई क्वालिटी गेम भी खेल सकते हैं। मतलब आपको ओवरऑल एक पैकेज मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं वो 3 स्मार्टफोन कौन से हैं और वीडियो के लास्ट में ये सभी फ़ोन के बारे में मेरा सच ओपिनियन आपके साथ शेयर करूँगा, आपको बताऊँगा कौन सा स्मार्टफोन किस कैटेगरी में बेटर है। तो उस पार्ट को मिस मत करना क्योंकि ओपिनियन पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और गाइस, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ऐसे वीडियो पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं। मैं लास्ट से काउंट करूंगा इसलिए मैं लिस्ट के तीसरे नंबर पे सैमसंग M30। सैमसंग इंडिया में एक ट्रस्टेड एंड पॉपुलर ब्रांड है। अभी तक ऐसे बहुत बायर्स है जो सैमसंग का फोन ही पसंद करते हैं, सैमसंग का फोन ही खरीदना चाहते हैं, तो इसलिए मैं आपके लिए सैमसंग M30 का चॉइस किया हूँ। डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं, यहाँ पर आपको बैक साइड में प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलेगा जो गेडियन फिनिश के साथ आएगा। इस फोन में आपको 6.4 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा, जहाँ पर आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगा। मतलब डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगा। बैक साइड में ट्रिपल कैमरा स्लॉट देखने को मिलेगा, एक होगा 13MP का मेन कैमरा, दूसरा होगा 5MP का वाइड एंगल लेंस एंड तीसरा होगा 5MP का डेप्थ सेंसर कैमरा। एंड फ्रंट में आपको 16MP का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा जिसका अपर्चर होगा 2.0। मतलब कैमरा परफॉर्मेंस आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगा। प्रोसेसर की बात करते हैं, यहाँ पर आपको सैमसंग एक्सिनोस 7904 का चिपसेट मिल जाएगा जो ऑक्टाकोर 1.8GB के साथ आएगा। इसका बेस वेरियंट है 3GB रैम एंड 32GB इंटरनल मेमोरी और यहाँ पर आपको 1.5K का सपोर्ट मिलेगा। बैटरी परफॉर्मेंस की बात करते हैं, यहाँ पर आपको 5000mAh का एक लंबा बैटरी परफॉर्मेंस मिल जाएगा, जहाँ पर आपको 50W का फास्ट चार्जिंग मिल जाएगा जो बहुत ही बढ़िया बात है। प्राइस की बात करते हैं, ये फोन आपको 3 वेरिएंट प्राइस में मिलेगा। इसका बेस वेरिएंट है 3GB रैम एंड 32GB इंटरनल मेमोरी जिसका प्राइस है 9999 रुपीज़। दोस्तों ये सभी फ़ोन का बेस्ट बाय लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, आप वहीं से जाके डिटेल्स में चेकआउट कर सकते हैं और उस लिंक से परचेज भी कर सकते हैं, जहाँ पर आपको जेन्युइन प्राइस मिल जाएगा। Realme 3 Pro, ये फ़ोन पहले 15,000 के अंदर में था, अभी इसका प्राइस ड्रॉप हो गया है, 10,000 के अंदर में ये फ़ोन आपको मिल जाएगा। डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं, यहाँ पर आपको बैक साइड में प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलेगा जो ग्रेडियंट फिनिश के साथ आएगा। डिस्प्ले यहाँ पर आपको 6.3 इंच का FHD प्लस डिस्प्ले मिल जाएगा, जहाँ पर आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगा और डिस्प्ले में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 710 का प्रोसेसर मिल जाएगा जो ऑक्टाकोर 2.2GHz के साथ आएगा। बैक साइड में डुअल कैमरा सेटअप मिल जाएगा, एक होगा 16MP का मेन कैमरा जो सोनी के सेंसर के साथ आएगा, दूसरा का 5MP का कैमरा। बैक कैमरा के अपर्चर होगा 1.7 एंड फ्रंट में आपको 25MP का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा जिसका अपर्चर होगा 2.0। Realme 3 Pro में आपको सुपर स्लो मोशन का फीचर्स मिल जाएगा, 4050mAh का बैटरी पावर मिल जाएगा, जहां पर आपको हुक 20W का फास्ट चार्जिंग मिल जाएगा जो बहुत ही बढ़िया बात है, आपका फ़ोन बहुत ही फास्ट चार्ज हो जाएगा। ये फ़ोन आपको 3 वेरिएंट प्राइस में मिलेगा, इसका बेस वेरिएंट है 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल मेमोरी जिसका प्राइस है 9999 रुपीज़। मेरे लिस्ट के पहले नंबर पे है Redmi Note 8। ये फ़ोन हाल ही में लॉन्च हुआ है। डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं, यहाँ पर आपको बैक साइड में गेडियन फिनिश देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। 6.3 इंच का एक फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाएगा जो IPS डिस्प्ले होगा, जहाँ पर आपको डॉट नॉच देखने को मिलेगा और डिस्प्ले में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलेगा। इस फ़ोन का सबसे खास बात है इसका कैमरा, यहाँ पर आपको बैक साइड में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। जो मेन कैमरा होगा वो 48MP का कैमरा होगा जो सैमसंग के सेंसर के साथ आएगा, दूसरा होगा 8MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा, तीसरा होगा 2MP का मैक्रो लेंस एंड चौथा होगा 2MP का डेप्थ सेंसर कैमरा। मतलब कैमरा क्वालिटी इस फोन में आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगा, तो सुपर स्लो मोशन एंड 4K रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। फ्रंट में आपको 13MP का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा जिसका अपर्चर होगा 2.0। यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 665 का चिपसेट मिल जाएगा जो ऑक्टाकोर 2.0GHz के साथ आएगा। 4000mAh के एक लंबा बैटरी परफॉर्मेंस मिल जाएगा, जहाँ पर आपको 18W का फास्ट चार्जिंग मिल जाएगा। 2 वेरिएंट प्राइस में मिलेगा, इसका बेस वेरिएंट है 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल मेमोरी
जिसका प्राइस है 9,999 रुपीस। दोस्तों अभी बात करूंगा मेरे ओपिनियन के बारे में। अगर आप सैमसंग का फोन पसंद करते हैं तो सैमसंग M30 आप ले सकते हैं, जो 10,000 के अंदर में सैमसंग की तरफ से एक बढ़िया स्मार्टफोन है। अगर आप एक बढ़िया प्रोसेसर वाला फोन चाहते हैं आप रियलमी 3 प्रो ले सकते हैं, जहां पर आपको स्नैपड्रैगन 710 का चिपसेट मिल जाएगा, जो दोनों फोन से बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेगा। ये सभी फोन में आप पबजी एंड फॉर्टनाइट जैसे हाई क्वालिटी गेम खेल सकते हैं, पर रियलमी 3 प्रो में आपको ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिल जाएगा। बेटर कैमरा वाला फोन चाहते हैं आप रेडमी नोट 8 ले सकते हैं, जहाँ पर आपको बैक साइड में क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाएगा, आपको 40 MP का कैमरा मिल जाएगा, मतलब कैमरा परफॉर्मेंस इस फोन में आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगा। ये सभी फोन 10,000 के अंदर में बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है, आप अपने चॉइस के हिसाब से कोई फोन परचेस कर सकते हैं, आप सेटिस्फाई होंगे। तो गाइस वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना और आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का बटन मिल जाएगा, उसको जाकर हिट करके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को ऑल क्लिक कर दो। तो फिर से मुलाकात होगी एक नया वीडियो के साथ। जय हिंद।